हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज की जो न्यूज़ है ये आपका एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर है। हम पहले ही आपको बता चुके थे कि लगता नहीं है कि एग्ज़ाम्स होंगे, और देखिए रियल में ऐसा ही हो गया। अभी 2 दिन पहले न्यूज़ आई, नोटिफिकेशन आ गया कि एग्ज़ाम जो है अपने इस टाइम पर नहीं होंगे, अपने एग्ज़ाम टाइम के 1 मंथ आगे होंगे। बिल अभी कह नहीं सकते हैं कि एग्ज़ाम्स होंगे भी या नहीं होंगे, कुछ भी अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता है। अच्छा, इस जो ये भर्ती होने वाली थी, जो हुई है, और जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे, इसमें कौन कौन से नियम नियम लागू हो सकते हैं, प्लीज़ इस वीडियो को नेगेटिव मत लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा, और वीडियो को पहले सुनिए उसके बाद कमेंट्स करिए। और हम कुछ जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर रख रहे हैं, तो क्या आप उससे सहमत हैं या नहीं, हाँ या नहीं में जवाब दीजिए, अपनी राय दीजिए, अच्छे शब्दों में दीजिए, इतनी हम उम्मीद आपसे करते हैं। तो देखिए, इसमें एक नियम ये था कि जो अतिथि शिक्षक है उनके लिए 25% रखा गया था। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक अन अकेडमी में हमें फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया रहेगा गूगल प्ले में जाके। और ऐप्स को ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आरती वर्मा लिखकर सर्च करिए, प्रोफाइल आने पर फॉलो को ओके करें, यानी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे हम करा रहे हैं आपकी एमपी टेट की प्रिपरेशन। चलिए फिर जल्दी से अन अकेडमी में हमें आप कर लीजिए फॉलो, और अपनी प्रिपरेशन को कर दीजिए तेज़ और मजबूत। थैंक यू। 25% यानी 100 में से 25% जो है वो अति शिक्षक लोगों के लिए रख दिया गया था, उसमें से 75% बचे, ठीक है। अब 75% में से 50% वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दिया गया। 75 में से 50 आप माइनस कर दीजिए तो कितना बच रहा है, 25 बच रहा है। 25% में से कुछ जो है ST, SC, OBC के लिए दे दिया गया, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कैटेगरीज जो बांटी गई हैं उनके लिए रख दिया गया। तो जो जनरल कैटेगरी में लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए कितने परसेंट बचते हैं, सोचने वाली बात ये है। बहुत सारी खामियां थी इस भर्ती में, ये बात सही है, लेकिन सभी बहुत टाइम से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे एमपी टीचर का, एमपी टेट का, कि कब ये वैकेंसी निकले। और जब ये वैकेंसी निकली, तो किसी के पास ये सोचने का टाइम नहीं था किसको क्या मिला। सबको सिर्फ यही लगा कि जो कुछ मिला अच्छा हुआ, वैकेंसी निकली और हमें तैयारी करनी है। बिल क्योंकि पहले से ही पता था कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो 100% कुछ ना कुछ इसका होना ही है, और पहला कदम बढ़ चुका है कि जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे उन्हें रोक दिए गए हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम होंगे, मैं आपको बता दूं, आप अपनी प्रिपरेशन करिए, एग्ज़ाम्स होंगे, ये 100% डन है, लेकिन किस फेरबदल के साथ में। क्वेश्चन आपसे हमारा ये है कि क्या 25% जो अति शिक्षक के लिए दिया गया है क्या वो सही है। अति शिक्षक जो होंगे उनके नज़रिए से बिल्कुल सही है, लेकिन जो लोग अति शिक्षक नहीं हैं उनके नज़रिए से बिल्कुल गलत होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, इस पर आप अपनी राय दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 50% वोमेन के लिए दिया गया है, तो जो गर्ल्स वोमेन्स हैं उनके लिए बिल्कुल सही है, लेकिन जो उसके अलावा मेल्स बच रहे हैं उनके लिए शायद सही नहीं है। फिर उसमें से और भी जो बहुत सारी कैटेगरी बनाई गई हैं उनमें रिजर्व किए गए छोटे छोटे टुकड़ों में, उनमें से कितना बचता है जनरल के लिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो इसका, इस पे आप विचार करिएगा, इस पे आप कमेंट्स दीजिए कि क्या जो हमने क्वेश्चंस उठाए हैं, यहाँ पे प्रश्न रखे हैं, क्या वो सही है या नहीं सही है। तो हम मानते हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन का मानना है कि जो एमपी शिक्षक पात्रता परीक्षा जो आगे होने वाली है, 100% उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल होंगे। उसमें जो कोटे रखे गए हैं, जो कुछ रिजर्व किए गए हैं, उसमें फेरबदल होंगे और होने भी चाहिए मेरे ख्याल से। बिल चलिए, वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए न्यूज़ देनी थी गुड न्यूज़, के अन अकेडमी में हम एमपी टेट की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ पे आप हमें फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम करवा रहे हैं आपकी एमपी टेट की प्रिपरेशन अन अकेडमी के साथ में। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वीडियो के दिया रहेगा, तो वहाँ से जाके आप ऐप्स को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, और उसके अलावा आप सिंपली भी लिंक से जाके देख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, और अपने कमेंट्स, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।